हेलो स्टूडेंट्स, वेरी 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 वार्म वेलकम टू केल्विन इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल दोस्तों आपके? तो स्टूडेंट, 10th एंड 12th की डेट शीट जो है वो रिवाइज हो चुकी है। रिवाइज क्यों हुई है भाई, ये तो आइडिया नहीं है, बट ये जानना जरूरी नहीं है। जानना ये जरूरी है कि कौन कौन से एग्जाम्स अब कब हो रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से क्विक रिकैप ले लेते हैं 10th एंड 12th की डेट शीट का जो अभी रिवाइज हुई है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लो, बोर्ड एग्जाम का अगर मैं बात करूं 10th क्लास की, इंग्लिश का जो आपका एग्जाम है वो 6 मई को है, 6 मई को ही था। हिंदी का 10 मई को था, साइंस का चेंज हुआ है 15 मई से 21 मई, सोशल साइंस का 27 मई को ही था। जो मैथ्स का एग्जाम है दोस्तों वो आपका चेंज हुआ है, जो पहले था 21 मई को अब होने जा रहा है 2 जून को। जो साइंस का एग्जाम था उसमें आपको एक हफ्ते का टाइम मिला है, 15 मई से 21 मई हो चुका है आपका साइंस एंड मैथ्स हो चुका है आपका 21 मई से ले 2 जून। तो स्टूडेंट ये आपकी दो मेन अपडेट जो सीबीएसई 10th क्लास के। देन इसके बाद अगर मैं 12th क्लास की बात करूं दोस्तों, तो 12th क्लास में इंग्लिश के लिए कोई चेंज नहीं है, केमिस्ट्री के लिए कोई चेंज नहीं है, बायो के लिए कोई चेंज नहीं है। जो चेंज है वो है मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो फिजिक्स का एग्जाम है बेटा वो आपका चेंज हो गया है। यहाँ पे फिजिक्स का एग्जाम जो आपका पहले था, जो आपका पहले फिजिक्स का एग्जाम था वो था 13 मई को। जी हाँ, 13 मई को फिजिक्स का एग्जाम था और अब होने जा रहा है 8 जून को। बहुत बड़ा गैप बेटा। और सेम अगर मैं मैथ्स की बात करूं दोस्तों, तो मैथ्स का एग्जाम जो है वो आपका 31st ऑफ मई को होना है। तो ये एक मेजर अपडेट है अगर मैं यहां पर बात करूं कौन से स्टूडेंट के बारे में, जो 10th 12th के साइंस के बच्चे हैं। अगर मैं 12th के कॉमर्स की बात करूं तो उनकी डेट शीट आपके सामने है दोस्तों। मैथ्स का वहां पर आप देख सकते हो, इंग्लिश का 4 मई को, बिजनेस का 12 मई को, और बाकी आप सब्जेक्ट्स यहां पे लुकआउट कर सकते हो। इसके अलावा ये आर्ट्स के भी मैंने आपको दे दिए। इसमें ज्योग्राफी का चेंज हुआ है बच्चा, ज्योग्राफी का पहले एग्जाम था बट अब 3 जून को होने जा रहा है, पोस्टपोन हो रहा है एग्जाम। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो। अब गेम ये है कि एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसकी तैयारी किस तरीके से हो, ठीक है। ऐसी कैसी तैयारी की जाए जिस तैयारी से हम लोग डेफिनेटली एग्जाम्स को बिल्कुल फोड़ दें बढ़िया तरीके से, और कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, उसको अच्छे से निकाल पाए। तो दोस्तों उसके लिए केल्विन ने एक PYQ सीरीज लॉन्च किया है। जी हाँ स्टूडेंट, हमने आपको पहले भी काफ़ी हम प्रमोशन कर चुके हैं इसके बारे में पिछले कुछ दिनों में, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम लोग एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम आपको वीडियो फॉर्मेट के थ्रू पूरा का पूरा मैथ्स का, साइंस का, 10th का और 12th का पैकेज जो है वो देने वाले हैं मात्र 10 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, मात्र 10 रुपए पर चैप्टर में आपको वो मिलने वाला है। और वो 10 रुपए का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है वो सिर्फ और सिर्फ PDF नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किताब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर नहीं है, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है। मतलब हमारा जो फैकल्टी है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है भैया पूरा का पूरा कंसेप्ट, तब आपको वो एग्जाम जो है वो लेकर आ रहा है, क्वेश्चन लेकर आ रहा है और वो समझा रहा है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि PYQ जरूरी क्यों है। आप ये बोलोगे कि सर PYQ क्यों जरूरी है। अब इसमें होता क्या है, व्हाई PYQ इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिमूव एग्जाम फोबिया। बिल्कुल, आपका जो एग्जाम फोबिया है वो रिमूव हो जाता है यहाँ पे दोस्तों। पूरा का पूरा एग्जाम जो फोबिया है वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। जब आप एग्जाम देने जाते हो उससे पहले आपकी कितनी लेवल पे तैयारी होती है वो यहाँ पर ये शो करता है। इसके बाद प्रिपरेशन एनालिसिस होती है यहाँ पर, एक एक्सपर्ट, मतलब आप खुद से एक्सपर्ट बनने वाले हो अपनी एनालिसिस के लिए। आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप अपनी प्रिपरेशन खुद करोगे, आप अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस खुद करोगे। आप ये जरूर देखोगे कि मैं सुबह ज़्यादा अच्छा पढ़ पा रहा हूँ, दोपहर को अच्छा पढ़ पा रहा हूँ, या मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहां पर कॉन्फिडेंट आ जाता है आपके अंदर। यस, यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट जब आप एग्जाम देने जाते हो, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो जो इजी से इजी क्वेश्चन है वो भी आप नहीं कर पाओगे। जनरली होता क्या है, जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देते टाइम कोई अजीब सा अलग सा क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस और बच्चे बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। उस होपलेस की वजह से जो बच्चे इजी क्वेश्चंस होते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो वो यहाँ पे आपको फटाफट से मतलब रिमूव करना है और कॉन्फिडेंस को जनरेट करना है। देन इसके बाद बूस्ट स्पीड एंड एक्यूरेसी। बिल्कुल, आपकी जो स्पीड है एग्जाम लिखने की आप बहुत ही एक्यूरेसी से लिख पाते हैं, आप गलतियां कम से कम करते हैं, वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी होने वाला है यहाँ पर। बेस्ट टूल फॉर रिविजन, मतलब अगर कोई रेसिपी चाहिए आपको, अगर कोई कहता है कि यार मुझे कोई रिवीजन की रेसिपी बता दो, तो दिस इज़ द बेस्ट टूल PYQ, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये पर चैप्टर में दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गेटिंग फैमिलियर विद द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट PYQ का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्ट है वो यही है कि PYQ सीरीज आपको एक फैमिलियर बना देती है आपके क्वेश्चन पैटर्न से, आपके एग्जाम पैटर्न से, और आप उस लेवल पर तैयारी कर पाते हो।
देन स्टूडेंट देखिए आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है टाइम मैनेजमेंट की। क्यों? क्योंकि आप जब कोई पेपर सॉल्व करने बैठते हो पूरे 3 घंटे का, तो आपको पता होता है कि आप कितने टाइम में वो एग्जाम दे रहे हो, कितने टाइम में आप वो एग्जाम लिख पा रहे हो। मगर जब आप CBSE में जाते हो तब आपको फिगर आउट करना बहुत मुश्किल होगा। तो अभी से उस लेवल की प्रैक्टिस करनी है कि 2.5 से 3 घंटे के अंदर अंदर मुझे पेपर कंप्लीट करना है, ताकि मैं रिविजन को एक बार फिगर आउट कर पाऊं। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो दोस्तों सेल्फ असेसमेंट, जी हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद कोई भी गलतियां हो रही हैं अगर, तो भैया उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको एक बार देखना है, समझना है और उसको फिर हटाना है। जनरली क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि यार फेलियर जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। फेलियर इज दी ऑप्शन, फेलियर एक ऑप्शन है बट गिव अप ऑप्शन नहीं है। अगर आप उस गलतियों को बार बार दोहराओगे तो दिक्कत है, गलतियों को दोहराना नहीं है, ठीक है ना। तो यू डोंट हैव टू बी गिव अप, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द फेलियर्स एंड वर्क ऑन देम एंड स्टेप ऑन देम एंड गो फॉर द सक्सेस, गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके बाद यहां पर हम आपको बता दें कि जो हमारे पैकेजेस हैं ये कुछ इस तरीके से हैं। फटाफट हम लोग इसके फीचर्स आपको बता देते हैं कि इसमें अनलिमिटेड आपको व्यूज एक्सेस मिल जाता है टेल एग्जाम्स, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये पर चैप्टर में। 85+ आवर्स का वीडियो पैकेज आपको मिलता है। अगर आप हमारा पूरा का पूरा पैकेज लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 रुपये आप पर चैप्टर ले सकते हैं, बट अगर आप पूरा का पूरा पैकेज हमारा लेते हैं तो आपको 99 रुपीज़ का पड़ेगा दोस्तों। येस, ये पूरा का पूरा पैकेज हमारे 12th क्लास के लिए, मैथ्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है, एंड 10th एंड 12th के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा सेशन चाहिए। इसके बाद 165 वीडियोस हैं इसके अंदर पूरी की पूरी। ये 12th की पैकेज की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ मैथ्स की दोस्तों, जो 13 चैप्टर कवर होते हैं मैथ्स के। वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं दोस्तों यहाँ पे CBSE 2021 सैंपल पेपर के, 5 सॉल्व सैंपल पेपर। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जितने भी यहाँ पे चीजें हो रही हैं सारी वीडियो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है जी। टॉपिक वाइज वीडियोस, यस, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, मैथ्स का रिलेशन फंक्शन, मैथ्स का कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो वही टॉपिक आपको देखना है जाके, उसी टॉपिक के पैसे देने हैं और कोई पैसे नहीं देने। 10 रुपये पर चैप्टर, मार्क वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मेरे से 3 मार्क वाले या 5 मार्क वाले या 6 मार्क वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है, तो भैया उसी पेपर को लेना है, उसी पैकेज को खरीदना है, ताकि आपको ज्यादा पैसे देने ना पड़े। डिजिटल बोर्ड पर दोस्तों इसी तरीके से आपकी पढ़ाई होगी, ऑल NCERT बेस्ड क्वेश्चन जो है वो उस लेवल पे कवर हो रहे हैं। वहां पे फॉर्मुला बेस्ड शीट मिलेगी आपको, कोई भी चैप्टर आप चूज कर सकते हैं, चूज एनी चैप्टर। ये जैसे 13 मैथ्स के आपको चैप्टर दिख रहे होंगे अलग अलग लेवल पे, 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कवर किए यहाँ पे, 10 साल के पूरे PYQ कवर कर रहे हैं दोस्तों। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो हमारी क्लासेस हो रही हैं उसमें आप देख सकते हो। टॉपर CBSE, यस, CBSE का जो आंसर शीट होता है, जो 10th एंड 12th का आंसर शीट होता है, वो हम आपको देने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि टॉपर्स किस तरीके से लिखते हैं उस एग्जाम में। ये हमारी एप्लीकेशन है दोस्तों, काइट्स एप्लीकेशन, जिसपे सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, और ये एप्लीकेशन पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। इस पैकेज को परचेज कैसे करना है, इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आपको यहाँ पे शो रहा होगा। आप हाउ टू परचेज वे जाके, वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं कि आप कैसे इसको परचेज कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने ये लिया तो यू वॉन्ट रिग्रेट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में आपको पूरा मैथ्स का एक चैप्टर मिल रहा है, जिसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर वही डिफरेंस क्रिएट किया गया कि अगर आप एक 300-400 रुपये की बुक लेंगे तो 10 रुपये का पर चैप्टर भी आप ले सकते हो, जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है। मतलब किताब में से कोई निकल के बाहर नहीं आने वाला, आपको खुद समझना है। यहाँ पर फैकल्टी आपको समझा रहा है, यहाँ पर टॉप फैकल्टी जो दिल्ली के हैं वो आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। 10th एंड 12th के लिए बहुत बड़ा नए नए सरप्राइजेस हम लोग लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं चैनल में, मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, ताकि हम लोग आपके लिए इस तरीके की वीडियोस लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।